वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो अभी मैं लेके आ गया हूँ आपके पास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अगर वो नंबर 25 से 75 के बीच में लाई करता है। आपके पास मैं बैक टू बैक सीरीज में दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। अब अगर आपका नंबर 75 से बढ़ जाता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वही 2 सेकेंड्स के अंदर। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मुझे 104 का स्क्वायर निकालना है तो 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10816। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 96 का, तो 96 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, 9216। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको लगता है सर ने 100 के नज़दीक ले लिया, ठीक है, तो काफ़ी आसानी से निकाल लिया होगा। तो एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। मान लीजिए मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है। अब 88 तो 100 के नज़दीक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7744। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नंबर हो, अगर 75 से बढ़ जाता है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे विद इन 2 सेकेंड्स, उसकी ट्रिक मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम नंबर को ले लेंगे, मान लीजिए 104 मेरे पास नंबर है, तो 104 का 100 से मैं डिफरेंस निकालूंगा। किससे निकालूंगा, 100 से। तो 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 और ऐड कर देता हूँ, तो नंबर मेरे पास क्या आ गया, 108। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो 16 पीछे लगा दीजिए दो प्लेसेस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 10816। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए 96 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 96 का मैं स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 96 मेरा 100 से कितना कम है, 96 मेरा 100 से 4 कम है, तो मैं और 4 कम कर देता हूँ, बनेगा कितना, 92। और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 9216। ओके, मान लीजिए मैं नेक्स्ट नंबर ले लेता हूँ 88। 88 100 से कितना कम है, 12, और 12 कम कर देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 76। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो मैंने आपको बताया लास्ट दो प्लेसेस छोड़ के एडिशन से शुरू करेंगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7744। चलिए हम टेस्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 114 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 114 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो 14 और ज़्यादा कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 128, और 14 का स्क्वायर 196, तो आपका आंसर आ जाएगा 12996। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है 92 का स्क्वायर। अब 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 और कम कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 64। चलिए इस ट्रिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 124 का, तो 124 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो 124 100 से कितना ज़्यादा है, 24, तो उसको 24 और ज़्यादा कर देंगे, 148, और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, तो आपका आंसर आ जाएगा 763151, तो 15376 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं आपके पास ये लेके आऊँगा जिसमें नंबर 124 जो हमने लिया इससे भी आगे बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम कौन से ट्रिक यूज करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।